नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखे गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हद में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हूँ और ये 3 मिनट का एक ग्राफ है जो मैं स्कैल्पिंग कैसे करता है छोटा पोजीशन का ऊपर, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। तो मार्केट जब ओपन होता है एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मार्केट का रेंज को समझना है। देखिए, नीचे में आपको ब्रेकडाउन जोन बोल के एक लाइन दिखाई दे रहा है येलो कलर में और ऊपर में देखिए येलो कलर में लिखा है ब्रेकआउट जोन। तो ये जो दो जोन है इसको देखते हुए आपको एक आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया होगा जो मार्केट किसका अंदर घूमने वाला है। तो मार्केट देखिए आज को ओपन हुआ है ब्रेकडाउन जोन का करीब, तो इसका मतलब है नीचे का तरफ स्पेस कम है ऊपर का तरफ स्पेस ज्यादा है। तो ये एक बेसिक आइडिया है एक ट्रेडर के लिए। देखिए, एक्चुअली क्या होगा ये तो किसी को भी पता नहीं है, बट क्या हो सकता है उसका भी अगर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो आज को मार्केट ओपन हुआ है ब्रेकडाउन जोन का करीब, इसका मतलब है मुझे एक आइडिया मिल रहा है जो ऊपर की तरफ स्पेस ज्यादा है तो बाइंग की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है। तो देखिए, यहां पर सॉफ्टवेयर ने एक बाइंग का कॉल मार्केट ओपन होते ही दे दिया था। अब क्वेश्चन ये है, जो कॉल तो मिल गया है, क्या ये कॉल सही है? आपको पता था ब्रेकडाउन का जोन का करीब मार्केट ओपन हुआ है तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट ये जो कॉल बना है इसमें क्या कंडीशन मैच है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा आपको 3 कंडीशन देखना है। एक है बाय का कॉल का पहले हमेशा ग्रीन स्टार बनेगा, तो यहां पर ग्रीन स्टार दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बाय का कॉल का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। देखिए, ये रेड है मतलब ये आपका मैच नहीं कर रहा है। थर्ड कंडीशन है ब्रिक्स का कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। तो ब्रिक्स का कलर ग्रीन तो है बट ये व्हाइट को तोड़ा नहीं है। तो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन मैच है, बाकी 2 कंडीशन अभी भी आपका मैच नहीं है। तो जब तक ये तीनों कंडीशन मैच नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखते देखते मार्केट देखिए नीचे का तरफ आ गया, रेड कलर का स्टार बन गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन को टच कर रहा है, मतलब ब्रेकडाउन को टोटली मार्केट ब्रेकडाउन का करीब तो खुला था बट ब्रेकडाउन को टोटली टच नहीं किया था। देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन को जस्ट टच किया और उसका बाद सडनली मार्केट ऊपर का तरफ मूवमेंट किया। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर बहुत बंदा यहां पर प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए एक ही झटके में मार्केट ने ऐसा मूवमेंट किया। लॉजिकली हम लोग सोचे थे जो मार्केट ऊपर जाएगा बट यहां पर मार्केट में काम करने का आपको मौका नहीं दिया। तो ऐसा अक्सर बहुत टाइम होता है हम लोग देखते हैं मार्केट में काम करने का मौका नहीं मिलता और मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट करके चला जाता है। ये कैंडल खत्म होने का बाद भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो भी देखिए ब्रेकआउट जोन जो मैं पहले बताया तो मार्केट ब्रेकआउट जोन तक जाने का संभावना है, तो यहां पर भी आप 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। नीचे का रिबन ग्रीन हो गया, स्टार बन गया, ब्रिक्स भी आपका व्हाइट का ऊपर चला गया, तो इसका बाद भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहां पर एक छोटा मोटा प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। तो वही मैं चीज दिखा रहा हूं, जैसे एक झटका में आपको बैंक निफ्टी में मूवमेंट किया है और इस तरीके का मूवमेंट को पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। आइडिया हम लोग सुबह को ही लगा लिए थे जो मार्केट ब्रेकडाउन का करीब ओपन हुआ है तो उस हिसाब से ब्रेकआउट तक जाना चाहिए, बट इतना फर्स्ट मूवमेंट करेगा ये एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं किए थे। तो मार्केट में ऐसा अक्सर होते रहता है, कभी कभार देखते हैं जो मार्केट सडनली मूव कर जाता है जहां पर हाथ से मौका निकल जाता है प्रॉफिट बनाने का। तो उसका अगर मैं इस कैंडल का बाद में भी ट्रेड करता हूं तो भी देखिए यहां पर हम लोग लगभग 150 पॉइंट का एक प्रॉफिट बना लिए। और आप कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक ब्रिक्स का कलर ग्रीन है। जब तक ब्रिक्स का कलर ग्रीन है इसका मतलब है पोजिशन सिक्योर है। जब ब्रिक्स का कलर चेंज होगा ग्रीन से ब्लू या रेड में तब जाके आपको अपना पोजीशन चेंज करना है। जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है ब्रिक्स का जो कलर है वो धीरे धीरे रेड हो रहा है, तो रेड होने का मतलब है अभी जो पोजीशन आपका बाइंग के लिए चल रहा था वो पोजीशन आपके लिए और सिक्योर नहीं है। तो ये एक टाइम होता है ट्रेडर के लिए जो आपको पहले से एक अलर्ट मिल जाएगा जो मार्केट जो है वो अभी रिवर्स होने वाला है।
बहुत बंदा सोचता है जो एंट्री लेने के बाद मार्केट सडनली गिर जाता है, तो सडनली कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे यहाँ पर चेंजेस होता है। जैसा देखिए हम लोग प्रॉफिट बनाने के बाद ये जो ब्रिक्स यहाँ से रेड होना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ से आपको पता चल जा रहा था जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। और जब तक ये वाइड लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक आप वेट कर सकते हैं। जैसे ही वाइड लाइन को तोड़ दिया इसका मतलब है और इसका बाद आप यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। तो देखिए आज को मार्केट ओपन तो यहाँ पर हुआ था, ब्रेकडाउन का करीब मार्केट थोड़ा सा नीचे लेके आया, ब्रेकडाउन को टच किया और सडनली मार्केट को रिवर्स बैक करके ब्रेकआउट तक प्रॉफिट लेके चला गया। और ये ब्रेकआउट जोन एक ऐसा जोन होता है यहाँ पर आके मार्केट को रोक देता है, मतलब इसका ऊपर मार्केट में और स्पेस नहीं होता है। तो ये मैं बहुत सारा वीडियो में बताता हूँ जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का अंदर मार्केट घूमते रहता है। फाइनली देखिए यहाँ पर सेल का कॉल बना, सेल का कॉल का स्टार बना, नीचे का रिबाउंड रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, मतलब सारा कंडीशन आपका फेवर में है, तो आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। और सेलिंग का टाइम याद रखना है, ये देखिए यहाँ पर भी काफी फर्स्ट रिएक्शन किया, मार्केट ब्रेकडाउन को तोड़ के काफी नीचे गिरा दिया, लगभग 600 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर देखे गया। तो आज को मार्केट में दोनों तरफ ही बहुत ही फर्स्ट रिएक्ट किया है, और अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो यहाँ पर प्रॉफिट हाथ से निकल सकता है। तो यहाँ पर ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है काफी आपको हेल्प करेगा। देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर इतना दूर तक तो रेड था, उसका बाद ये ब्लू होना दोबारा चालू कर दिया। तो ये ब्रिक्स इंडिकेटर एक पावरफुल इंडिकेटर है जो आपको सही जगह पे इंडिकेशन दे देगा जो मार्केट रिवर्स कहां पर हो रहा है। अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर जो बाय का कॉल बना है ये कॉल उतना सही नहीं है। रीजन क्या है, बाय का कॉल के साथ स्टार नहीं है, नीचे का रिबन अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर भले ही वो ग्रीन है बट अभी भी वो व्हाइट का ऊपर नहीं गया है। जब तक वो व्हाइट का ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका ट्रेंड पोजिशन चेंज नहीं होगा। जैसे आपको दिखाई देगा जी ये व्हाइट का ऊपर चला जा रहा है तो आपको समझ जाना है जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बाइंग की तरफ चला जा रहा है। बट अभी भी कॉल कंफर्म नहीं है क्योंकि लॉजिकली सारा कंडीशन आपका मैच नहीं हुआ है। तो अगर मैं फुल डे का को यहाँ पर सुबह से परफॉर्मेंस देखूं तो काफी सिंपली समझ में आ रहा है, ब्रिक्स को देखते हुए अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हैं। तो ब्रिक्स हम लोग का सबसे स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, जहां से रेड हो रहा है मतलब यहाँ से सेलर्स बढ़ रहा है, रेड यहाँ पर जैसे व्हाइट को तोड़ा इसका मतलब स्ट्रांगली सेलिंग की तरफ घुस गया और इतना दूर तक देखिए पैसा बनाया, उसके बाद ब्लू होने के बाद ग्रीन 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 होना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को 3 मिनट का हिसाब से या फिर आप इसको 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो 3 मिनट में मैं दिखाया, तो 3 मिनट में भी आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉजिक को फॉलो करना है, सारा कंडीशन मैच होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये जो दो पैरामीटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है ऊपर का तरफ ब्रेकआउट और एक है नीचे का तरफ ब्रेकडाउन। तो ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन दिखाई दे रही थी कि मार्केट दोनों का अंदर ही घूमता है, मैक्स टू मैक्स, ये मैक्सिमम रेंज है। नीचे से ऊपर लेके गया, ब्रेकआउट को टच किया, साइडवेज गिरा, फिर नीचे गिराया, ब्रेकडाउन को लेके गया, फिर मार्केट को यहाँ पर साइडवेज किया। तो लॉजिक को सही से फॉलो करने से रिजल्ट जरूर आएगा। और जो मैं सुबह को बता रहा था जो हम लोग मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब मार्केट का लॉजिक को समझेंगे कैसे, तो ये मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है इसको देखते हुए एक आइडिया हम लोग बना सकते हैं। बट हाँ आज को जैसे सडनली मूव कर दिया, इस टाइप का मूवमेंट में काफी हद तक हम लोग प्रॉफिट को नहीं पकड़ पाते, हाथ से निकल जाता है, बट हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं। बट लॉजिक को अगर सही से फॉलो करेंगे तो आप इस तरीके का मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, इकोनॉमिक करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।